और इसी बीच खबर रायपुर से मिल रही है, जब अब मेयर चुनाव की गहमागहमी तेज हो गई है। कांग्रेस से सभी पार्षद कांग्रेस भवन पहुंच गए हैं। कांग्रेस भवन में बाहर से ताला लगाया हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग की आशंका है, कांग्रेस उससे डरी हुई है, जबकि निर्दलीय पार्षदों के समर्थन का दावा कांग्रेस कर रही है। माहौल का जायजा लिया स्वराज संवाददाता रुपेश गुप्ता ने। तो बता दें आपको, मेयर के लिए एजाज देवर का नाम तय है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस भवन पहुंचे सभी पार्षद। कांग्रेस भवन में बाहर से ताला लगाया गया है। आपको बता दें कांग्रेस ने व्हिप जारी किया है। अधिक जानकारी के लिए रुपेश मैं से जुड़ गए हैं। रुपेश, क्या कुछ पूरी जानकारी इस वक्त? देखिए, एजाज देवर का नाम फाइनल हो चुका है और प्रमोद दुबे का नाम संभावित रूप से, ये बात सामने आ रही है कि सभापति हो सकते हैं। हालांकि इस पर अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसी चर्चा है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो चर्चा लगातार चल रही थी मेयर को लेकर के, वो साबित हुई और एजाज ढेबर, जो कि मुख्यमंत्री के काफी करीबी समझे जाते हैं, उन्हें ही रायपुर का नया मेयर बनाया गया है। वो नामों की ऐलान किया गया, तो क्या स्थिति वहां पर बनी हुई थी? पार्षदों का, पूर्व पार्षद का क्या कहना था? देखिए, सबसे पहले सबसे व्हिप जारी किया गया, सबको मोबाइल सबसे ले लिए गए, ताला लगा दिया गया। तो कांग्रेस किसी भी कीमत पर क्रॉस वोटिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती है और साफ निर्देश मोहन मरकाम ने दिए हैं कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर कहीं से भी क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई। और उसके बाद फिर तमाम चेतावनी के साथ नाम का ऐलान किया गया। तो जाहिर तौर पर कांग्रेसियों ने ताली बजा करके स्वागत किया, क्योंकि जाहिर तौर पर चूंकि सत्ता में कांग्रेस है तो कोई विरोध कर पाएगा इसकी संभावना काफी कम है। बीजेपी की तरफ से अभी क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रहे हैं रुपेश जी? बीजेपी की तरफ से अभी क्या कुछ नए अपडेट्स मिल पा रहे हैं? देखिए, बीजेपी फिलहाल इंतजार कर रही थी, वहाँ भी दो तीन नाम है जो चर्चाओं में है, लेकिन अभी ये घोषणा बाद में की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। बता दें आपको, मेयर के लिए एजाज देवर का नाम जो है तय किया गया है। कांग्रेस भवन सभी पार्षद पहुंचे थे और वन कमरे में बात हुई है। कांग्रेस भवन में बाहर से ताला लगाया गया था, कांग्रेस ने व्हिप जारी कर दिया है और निर्दलीय ने भी, आपको बताएं, डाबर का जो है समर्थन किया है।